आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कुकुल्ड रियल प्ले के लिए कैसे राजी करे, या कहें तो कुकुल्ड रोल प्ले के लिए कैसे मनाए। कुकुल्ड हस्बैंड की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, या कहें तो कुकुल्ड हस्बैंड की सबसे पहली समस्या ये होती है कि वाइफ को कैसे मनाया जाए, वाइफ से कैसे बातचीत शुरू किया जाए कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के कि मैं एज ए हस्बैंड ऐसा चाहता हूँ कि वाइफ किसी अदर के साथ प्ले करे। इस तरह की जो कुकुल्ड वाली डिजायर हस्बैंड के अंदर होती है ना, उसे कैसे कहा जाए, ये हस्बैंड के पास पहला चैलेंज होता है। और फिर वाइफ मानेगी, क्या सोचेगी, नहीं सोचेगी, क्या रिप्लाई करेगी, नहीं रिप्लाई करेगी, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे इफ बट हस्बैंड के माइंड में चलता रहता है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में काफ़ी सतही तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें हाईली स्ट्रिक्टेड है, कुछ चीज़ों पे मैं चाह करके भी बातें नहीं कर सकता हूँ। तो आप यदि चाहते हैं कुकुल्ड के बारे में इंटेंस लेवल की जानकारी लेना, प्रो लेवल की जानकारी लेना, नेक्स्ट लेवल की जानकारी लेना, और आपके अंदर भी यदि इंटेंस लेवल की कुकुल्ड फैंटेसी है, या कहें तो नेक्स्ट लेवल की कुकुल्ड फैंटेसी है, तो आपको एक बार मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फी है 30 दिन यानी 1 मंथ का 159 रुपये और 60 दिन यानी कि 2 महीने का 299 यानी कि 299 रुपये। और मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे रियल स्टोरी के माध्यम से नरेट करता हूँ, बताता हूँ कि एक हस्बैंड अपने अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को वाइफ से कैसे शेयर करता है, और फिर वाइफ कैसे मान जाती है, और फिर हस्बैंड वाइफ दोनों आपसी सहमति से कैसे रोल प्ले करते हैं, और रोल प्ले करते करते रियल प्ले भी वाइफ करने के लिए रेडी हो जाती है। और हस्बैंड तो ऑलरेडी कुकुल्ड हैं, तो रियल प्ले यदि वाइफ करेगी किसी अदर मेल या बुल के साथ तो हस्बैंड को भी मज़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह के रियल स्टोरी के माध्यम से मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करता हूँ। तो मेरा यदि आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें। सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे और आपको मुझे मैसेज सेंड करने होंगे। कैसे सेंड करना है, मैसेज क्या करना है, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। सिर्फ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में जो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उस पे आप सिर्फ ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बट नोट के रूप में ध्यान रखें, सभी लोग मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करें, वही लोग ज्वाइन करें जिनके अंदर इंटेंस लेवल की कुकुल्ड फैंटेसी है, साथ में जिनका मन और मस्तिष्क उनके नियंत्रण में रहता है, वही लोग मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अन्यथा वहाँ पे जो रियल स्टोरी डिस्कस किया जाता है कुकुल्ड के बारे में, उसे सुन करके या उसे बार बार सुनने की चाहत रख के आप प्रेरित होंगे और अपने आप को साइकोसेक्सुअली डिस्टर्ब कर लेंगे और आपका इमोशनल बैलेंस गड़बड़ा सकता है, खराब हो सकता है। इसीलिए मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूँ कि सभी लोगों को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके अंदर इंटेंस लेवल की कुकुल्ड फैंटेसी है वही ज्वाइन करें, या जो अपने मन और मस्तिष्क को आसानी से बैलेंस कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर से ट्रिगर हुए और आउट ऑफ कंट्रोल होकर के अपने शब्दों के माध्यम से किसी को कुछ वैसा बोल दिए, अपनी हरकतों के माध्यम से
कुछ कर दिए, तो वैसे लोग मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से दूर रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आउट ऑफ कंट्रोल वाले पर्सनालिटी हैं, तो कभी न कभी आप मुझे मैसेज कर ही देंगे, और मैं मैसेज करना अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अलाउ नहीं करता हूँ। और आपका मैसेज उपयुक्त ना हो करके अनर्गल होगा तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और आपको अस्थाई रूप से हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। तो ज्वाइन करें तो पीसफुली वहाँ जो सामग्री है, जो रियल स्टोरी डिस्कस किया गया है, उसे समझें और उसे सुनने का प्रयास करें, और अपने अंदर की कुकुल फैंटेसी को बैलेंस रखने का प्रयास करें। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया हुआ है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, इसे भी आप समझ लें कि मैं एक दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है मेंटलिस्ट आई टू। तो आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे कंटेंट को देखने में, समझने में, तो मेरा दूसरा चैनल मेंटलिस्ट आई टू टाइप करें यूट्यूब सर्च में, आपको मिल जाएगा। उसे सब्सक्राइब कर लें, उसमें जो वीडियो दिया गया है उसे भी देखें, या तो मैं अपने दूसरे चैनल का URL लिंक नीचे वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, या नीचे वीडियो के कमेंट में आपको दे दूंगा, और उस पर हार्ट दे दूंगा, उस पर दिल वाला साइन दे दूंगा। तो आप समझ लेना कि उसी लिंक के माध्यम से मेरा दूसरा चैनल जिसका कि नाम है मेंटलिस्ट आई टू, उसे ज्वाइन करना है। अन्यथा आप YouTube सर्च में भी जा सकते हैं और मेंटलिस्ट आई टू डालें, मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा। तो अब समझते हैं कि कुकुल्ड हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे मनाएं। देखिए, सबसे पहला कमी इंडियन हस्बैंड के अंदर है कि उसके अंदर धैर्य नामक कोई चीज होता ही नहीं है, उसके अंदर पेशेंस होता ही नहीं है। वह एकदम उबलते रहता है कि मैं कहूं और वाइफ मान ले, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये फैंटेसी हस्बैंड की है, वाइफ की नहीं है। तो जो फैंटेसी, जो कुकुल्ड फैंटेसी हस्बैंड की है, वही फैंटेसी, वही इच्छा यदि आप वाइफ को बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वाइफ के अंदर जो बिलीफ है उसको नॉर्मल करने में, सामान्य करने में, और कुकुल्ड फैंटेसी के अनुकूल करने में समय लगता है। इसीलिए कुकुल्ड हस्बैंड को सबसे पहले लंबी धैर्य या लंबी प्रतीक्षा वाली प्रवृत्ति को अपनाना होगा, और एकदम पेशेंस के साथ धैर्यपूर्वक अपनी वाइफ से इस विषय में बात करना होगा। लेकिन 99% जो हस्बैंड होते हैं ना, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। उन्हें तो लगता है कि एक साल से बातें कर रहा हूँ, दो साल से अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, वाइफ हमेशा नाना कहती है, हमेशा चिढ़ जाती है। तो वैसे हस्बैंड को मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास ऐसे सैकड़ों की संख्या में रियल केसेज हैं, रियल ऑब्जर्वेशन हैं मेरी नज़रों में, कि इंडियन हाउसवाइफ 3-4 साल तक, 5 साल तक नहीं मानती है। लेकिन लाइफ में कुछ वैसा सिचुएशन आता है, क्या सिचुएशन आता है वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगा, वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कुछ वैसा सिचुएशन आता है, और जो सिचुएशन आता है, जो परिस्थिति आता है, वह बुरा नहीं होता है, वह अच्छा ही होता है। तो उस सिचुएशन के प्रभाव में, उस परिस्थिति के प्रभाव में वाइफ ईजी वे में अग्री हो जाती है, और कुकुल्ड रियल प्ले के लिए हस्बैंड को हाँ कह देती है। तो हस्बैंड को लंबी प्रतीक्षा रखनी चाहिए, या रखने की प्रवृत्ति से प्रेरित होना चाहिए। और कई हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनकी वाइफ बड़े आसानी से मान जाती है, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो थोड़ा सा एफर्ट से ही उनकी वाइफ अग्री हो जाती है। तो ये वाइफ के साइकोसेक्सुअल नेचर पे डिपेंड करता है, हस्बैंड के अंदर कलाकारी किस तरह का है कि वाइफ से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, और अपनी फीलिंग्स के अनुसार, अपनी कुकुल्ड वाली फीलिंग्स के अनुसार वाइफ को भी ढाल सके। तो ये पूरी तरीके से हस्बैंड के अंदर कलाकारी पे निर्भर करता है कि वाइफ को कैसे कन्विंस करे। लेकिन पहला, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। दूसरा, लंबी प्रतीक्षा के साथ साथ अपनी वाइफ के साथ रेपो एस्टेब्लिश करना होगा।
तालमेल एस्टेब्लिश करना होगा, जिसे सामान्य भाषा में दोस्ताना संबंध स्थापित करना भी कहा जा सकता है। सामान्यतः हस्बैंड और वाइफ दोस्त कम गार्जियनशिप के रिलेशनशिप में ज़्यादा होते हैं। हस्बैंड या तो अपनी वाइफ को हमेशा सुझाव देते रहता है, इंस्ट्रक्शन देते रहता है, या सुझाव व इंस्ट्रक्शन सही शब्द नहीं है, सीधे कहें तो ऑर्डर देते रहता है, या कुछ परिस्थिति में वाइफ अपने हस्बैंड को सीधा ऑर्डर देते रहती है। तो ये जो ऑर्डर देने वाला रिलेशनशिप है ना, गार्जियनशिप के अंदर आ जाता है और दोस्ती वाला रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं रह पाता। तो मैं सभी हस्बैंड को कहूँगा कि यदि आप अपनी वाइफ को कन्विंस करना चाहते हैं तो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बनाएं, दोस्ताना संबंध बनाएं, तो वाइफ ज़्यादा सहज हो सकेगी बड़ी ही एनोइंग, बड़ी ही अजीबो गरीब बात को लेकर के, यानी हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड से संबंधित वाइफ की नज़र में अजीबो गरीब डिजायर है उसको लेकर के। फिर आगे तीसरा पॉइंट जो है, वाइफ खुद अपनी सहमति जाहिर करेगी या वाइफ अपनी सहमति व असहमति प्रकट करेगी और सारा कुछ एट द एंड में वाइफ की सहमति पर ही निर्भर है। और वाइफ की सहमति हमेशा प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, वाइफ की स्वविवेक व स्व इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, तभी आप कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय कर पाएंगे। और यदि फिर भी आपकी वाइफ नहीं मान पाती तो आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के सलाह ले सकते हैं, और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बात करने का फी 500 है, जिसमें मैं 40 मिनट का साइकोसेक्सुअल सेशन देता हूं, जिसमें मैं 40 मिनट का इंस्टाग्राम, ध्यान रहे ओनली इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पे समय देता हूँ, और आपकी हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसे समझने का प्रयास करता हूँ और एक आइडियल सॉल्यूशन देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आप अपने अंदर की इंटेंस लेवल की कुकुल्ड फैंटेसी के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में अपॉइंटमेंट का लिंक, यानी कि मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां आपको सिर्फ मैसेज करना है कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, या सिर्फ अपॉइंटमेंट लिखना है, या सिर्फ लिखना है आपसे मुझे बात करनी है। हाय हेलो लिखेंगे तो आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज हाय हेलो फॉर्म में होते हैं, उसको मैं रिप्लाई करता ही नहीं हूँ। आप अपॉइंटमेंट लिखेंगे या आप सिर्फ ये लिखेंगे सर मुझे आपसे बात करनी है, या लिखेंगे आपसे बातें करनी है, तो आपको सारा तरीका बता दिया जाएगा तुरंत ही कैसे मुझसे बातें करनी है। फी मैंने बता दिया, 40 मिनट ऑडियो कॉल का 500 फी है, जिसमें आपकी कुकुल्ड फीलिंग्स को समझने का प्रयास करूँगा, वाइफ के साइकोसेक्सुअल नेचर को समझने का प्रयास करूँगा, और मैं एक आइडियल सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रहे आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें हस्बैंड और वाइफ का दोनों का समान रूप से उस सॉल्यूशन में, उस हल में, उस सलाह में ख्याल रखा जाता है। तो आप यदि अपॉइंटमेंट लेकर के भी बातें करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में उसका लिंक है। आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां भी पेड है, ज्वाइन करने का फी है, वह भी कमेंट व डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिखा होगा सब, आप खुद देख लीजिएगा। और आप यदि मेरा दूसरा YouTube चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप मेंटलिस्ट आई सर्च में जा कर के टाइप करें तो मेरा दूसरा YouTube चैनल मेंटलिस्ट आई 2 मिल जाएगा, या उसका लिंक भी आपको मैं नीचे दे रहा हूँ। धन्यवाद।